दिख रहे अनजान उड़न खटोले की कहानी की शुरुआत होती है जनवरी में, जब अमेरिका के आसमान पर एक चीनी जासूसी गुब्बारा नजर आया। अमेरिकी फाइटर जेट F-22 ने इसे 4 फरवरी को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिछले 3 दिनों में 3 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराए गए हैं। पहला अमेरिका के अलास्का में, दूसरा कनाडा के यूकॉन प्रांत में और तीसरा अमेरिका के मिशिगन में। ये पक्षी है, प्लेन है, ड्रोन है, एलियन है या जासूसी गुब्बारा, तरह तरह की बातें चल रही हैं। आज के एक्सप्लेनर में बात इन अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जुड़े अहम सवालों की। गिराए गए ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या है और चीनी जासूसी गुब्बारे से कितने अलग है, इस बारे में अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि ये उड़न खटोले स्पाई बैलून की तुलना में शेप, साइज और काफी छोटे हैं। इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में कई सारे स्ट्रिंग लटके नजर आ रहे हैं, जबकि स्पाई बैलून में ऐसा कोई स्ट्रिंग लटकते हुए नजर नहीं आया था। वहीं नॉर्थ अमेरिका में गिराए गए ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहां से आए और क्या चीन के किसी बड़े सर्विलांस प्रोग्राम का हिस्सा है, तो इस सवाल का जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे 3 उड़न खटोले को मार गिराने के बाद अमेरिका ने इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं दी है। साथ ही अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस उड़न खटोले से किसी भी तरह की चीज मिलने से इनकार किया है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया और कैसे मार गिराया। 31 जनवरी 2023 को अमेरिकी आसमान में स्पाई बैलून नजर आने के बाद अमेरिकी एयरफोर्स और रक्षा विभाग अलर्ट मोड में आ गए। पहले जिन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एयर स्पेस से होकर गुजरने की अनुमति दी जाती थी, अब उसकी निगरानी की जा रही है। साथ ही रडार सिस्टम को पहले से भी ज्यादा एडवांस किया गया है। अमेरिकी एयर स्पेस में दिखने वाले ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट 2 वजह से अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। पहली वजह यह है कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धरती से बेहद करीब थे, इसकी वजह से हवाई हादसा होने की संभावना थी। इसके अलावा अमेरिका का मानना है कि उसके एयर स्पेस की जासूसी के लिए स्पाई बलून के पकड़े जाने के बाद संभव है कि कोई देश ये नया तरीका अपनाने के लिए टेस्टिंग कर रहा हो। चलते चलते बात कि अब आगे क्या होगा। अमेरिका ने उन सभी देशों से चीनी स्पाई बलून के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कहा है जिन्होंने हाल में इसे मार गिराया है। वहीं अमेरिका के स्पाई बलून को मार गिराने पर चीन ने नाराजगी जाहिर करते हुए अमेरिकी दूतावास में आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। देखा जाए तो एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव